जहां पर भी देखेंगे ना देशभक्ति के रंग दिखेंगे। एक जज्बा है जो हर किसी के दिल में दौड़ रहा है और ये रंग टीवी की दुनिया में भी दिख रहे हैं। आइए देखिए एक नजर। आज की शाम में ढेर सारे बॉलीवुड सितारों के साथ साथ कई टीवी के सितारे भी नजर आए। सितारों ने अपनी मौजूदगी के साथ इस शाम में चार चांद लगाए और इस शाम के चक्का चौंद बढ़ाते हुए हमें सबसे पहले नजर आई हीना खान, जिन्होंने एकदम सिंपल सी व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी और इस सादगी भरे लुक में भी हीना खान बहुत एलिगेंट लग रही थी। सो मच मेरी खुशी में शामिल होने के लिए एंड टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ सास बहू एंड साजिश, प्लीज गो टू द थिएटर्स नियर यू ऑन 7th फरवरी एंड वॉच हैक्ड। हीना खान के बाद हमें नजर आए करण और प्रीता, जिन्होंने ब्लैक कलर ऑफ द नाइट चुना था। दोनों एक के बाद एक आए और अपने साथ अवार्ड्स के साथ ढेर सारे फैंस का प्यार लेकर गए। साल का तीसरा अवार्ड। Yeah, so 2020 started on a very good note. Yeah, I'm really happy. I feel blessed, and you know, Kundali is being really special for me. You know, when we started, we became number one. We are since the inception, we are number one, and we are still number one, running on the TRP charts. And this is all possible because of you guys. Thank you so much for all the love and appreciation, guys. I'd like to thank God, and I'd like to thank my family first before anyone else, and then of course Kundli Bhagya aur sari Kundli Bhagya ki team, aur of course bahut achhi feeling hai award milna aur 2020 ka pehla award hai, and I am just loving this feeling right now. अब कुंडली भाग्य के अच्छे भाग्य के बाद हमें नजर आई भाइयों की जोड़ी शहीर शीख और ऋत्विक, यानी कि कुणाल और अबीर। और अबीर और कुणाल ने हमारे साथ अवार्ड की खुशी बांटने के साथ साथ 26 जनवरी की छुट्टी वो कैसे बिताएंगे ये भी बतलाया। यही कहना चाहेंगे कि आप ही की वजह से है, जिन लोगों ने हमें पसंद किया, हमें हमारे काम को सराहा, हमें प्यार दिया, उन्हीं की वजह से आज हमें अवार्ड मिला, और लाइन्स क्लब को थैंक यू कहना चाहेंगे। इट्स माई फर्स्ट टाइम विनिंग दिस अवार्ड, सो आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू जी। स्कूल में जैसे छुट्टी मिलती है और सब आके सेलिब्रेट करते हैं, तो वैसे ही हमारी भी कल छुट्टी मिल रही है और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली जा रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली फर्स्ट, फैमिली से मिलने जा रहा है। इन दोनों भाइयों के साथ साथ हमें ये रिश्ते हैं प्यार के प्रोड्यूसर राजन शाही और साथ में कुहू भी नजर आई। हाँ, 2020 का पहला अवार्ड है ये, एंड अच्छा लग रहा है फॉर बेस्ट कंटिन्यूइंग शो, रिश्ता का कहलाता है। इसी के बाद ये रिश्ते हैं प्यार के में अगर दो भाइयों ने अवार्ड लिया है तो पटियाला बीब्स की ये दोनों बहनें कैसे पीछे रह सकती है भला। Styled by Adhya designer, and this is the dress that I'm wearing. थोड़ा इस बार gown से थोड़ा change करके एक formal casual sort of red carpet dress रखी है। है थोड़ा simple रखे because the dress is a bit loud. तो yeah, that's for my look. तो आर्या और मीनी भी पहुंच गई अपना award लेने, लेकिन award से पहले ही आर्या को उसका award मिल गया, यानी कि उसका fan moment। अब आर्या अनन्या पांडे की इतनी बड़ी fan है कि रेड कारपेट पर अनन्या पांडे से मिलकर आर्या के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। I've seen a movies, student of the year too,
So I like her. अब अनन्या पांडे की बात छिड़ी गई है तो बता दे आपको कि अनन्या पांडे के साथ साथ उनके पापा चंकी पांडे भी नजर आए। इसी के साथ साथ हमें एकदम ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई अंकिता लोखंडे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आज ही मणिकर्णिका रिलीज़ हुई थी पिछले साल 25th of January, और आज मुझे अवार्ड मिल रहा है, साल का पहला अवार्ड, सो बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और अंकिता लोखंडे के बाद शरद केलकर और रोशनी वालिया से भी हमारी मुलाकात हुई। इन टीवी कलाकारों के साथ साथ कई सारे बॉलीवुड स्टार्स भी हमें नजर आए जो इस शाम में अपनी मौजूदगी के साथ इस शाम को रोशन कर रहे थे। ओवरऑल लायंस अवार्ड का ये रेड कार्पेट बड़ा ही शानदार रहा। कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।